Hello, dear student. Today I am going to explain lesson 13, page uh, Weather and Season, page number 68. Okay. First, I am reading this page. Fact to know. Fact to know. The longest day of the year is 21 June, and the shortest day of the year is 21 December. Cloudy days. Dark clouds hide the sun on some days they are cloudy days on a cloudy day the weather is pleasant we like to walk out in parks and markets to enjoy a fine weather rainy day on some days it rains heavily children like to play with paper boards in the rain sometimes after a rain we see a rainbow in the sky a rainbow has seven colors करॉस द आउट वन आउट ओके स्किल टेस्ट में है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझाऊँगा ठीक है ना चलिए अब हम इस आ, पेज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आप वीडियो को बिल्कुल केयरफुली सुनिएगा और इसे फॉलो करिएगा द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इस ट्वेंटी वन जून यानी ट्वेंटी वन जून को जो दिन होता है वो सबसे लंबी होती है सबसे बड़ी होती है सबसे बड़ा दिन ट्वेंटी वन जून को होता है ठीक है ना एंड द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर वर्ष का जो सबसे छोटा दिन होता है वो ट्वेंटी वन दिसंबर होता है सबसे छोटा दिन ट्वेंटी वन दिसंबर और सबसे बड़ा दिन ट्वेंटी वन जून ओके क्लाउडी डे ठीक है ना बादल युक्त यानी बादलों वाला दिन देखिए क्लाउडी डे में कैसे होता है उसके क्या जो है कुछ जो उसका कंडीशन है स्थिति है उस दिन का कि कैसे होता है क्लाउडी डे उसके बारे में बताया है डार्क क्लाउड्स हाइड द सन ऑन द सम डेज जो डार्क क्लाउड होता है वो सन को छिपा देता ऑन दिस ऑन समे कुछ दिनों कुछ दिनों ऐसे भी लगता है कि सूर्य निकला होता है लेकिन डार्क क्लाउड होता है तो सन को छुपा देता है तो उसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती है ठीक है ना दे आर क्लाउडी डे तो वे क्या कहलाते हैं क्लाउडी डे यानी कि ऐसे दिनों को हम क्या कहेंगे क्लाउडी डेज ठीक है ना बादल युक्त तो दिन बादलों वाला दिन ऑन ए क्लाउडी डे द वेदर इज प्लीजेंड क्लाउडी डे जो मौसम होता है वो प्लीजेंट होता है सुहावना होता है ठीक है ना ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड लगता है सुहावना मौसम होता है वी लाइक टू वॉक आउट इन पार्क हम पार्क में घूमना बाहर जा के पार्क में घूमना पसंद करते हैं एंड मार्केट्स टू इंजॉय ए फाइन वेदर तो और मार्केटों में भी घूमना टू इन्जॉय ए फाइन वेदर तो इस सुहाने मौसम में जो है इंजॉय करते है, देते हैं आनंद लेते हैं ठीक है अगला टॉपिक है रेनी डे ठीक है न वर्षा वाले दिन यानी जिसमें बरसात होता है ठीक है ना ऑन डे कुछ दिनों में इट रेन्वेनली वर्षा अधिक होती है ठीक है ना यानी कि ऐसे जो दिन होते हैं कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिसमें वर्षा बहुत ज़्यादा होती है चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले विथ पेपर बोर्ड्स इन द रेन बच्चे बरसात में पेपर बोर्ड बनाते हैं और उसके साथ खेलते हैं ठीक है ना बच्चे बरसात के समय पेपर बोर्ड बनाते हैं और खेलते हैं उसके साथ खेलते हैं ठीक है चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले यानी बच्चे पसंद करते हैं खेलना विद पेपर बोर्ड पेपर बोर्ड के साथ इन द रेन बरसात के समय में ठीक है समटाइम्स कभी 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 आफ्टर ए रेन वर्षा के बाद वी सी ए रेनबो एक हम क्या देखते हैं इंद्रधनुष देखते हैं इन द स्काई आसमान में कभी कभी बरसात के बाद जो है एक हम जो है आसमान में एक इंद्रधनुष भी देखते हैं ए रेनबो हैज सेवन कलर एक जो रेनबो होता है उसमें सात रंग होते हैं ओके अब चलते हैं हम स्किल टेस्ट की तरफ देखते हैं स्किल टेस्ट में आपके लिए क्या क्विज है क्रॉस द ऑट वन आउट इसमें आपको वन क्रॉस uh, करना है कि कौन सा इसमें ऑड है ठीक है ना तो ऑड के लिए देखिए इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि किस समय क्या इसमें तो इसमें देखते हैं ऑड क्या है देखिए फर्स्ट में गर्म सूप है कॉफ़ी है यहाँ आइसक्रीम है तो गर्म के समय ये दोनों तो ठीक है लेकिन ये कॉफ़ी नहीं ठीक है ना तो जैसे कि ये जैसे अगर मुझे गर्माहट वाली चीज़ चाहिए ठंड में तो ये दोनों तो चाहिए लेकिन आइसक्रीम नहीं चाहिए तो आइसक्रीम में आप क्या कर देंगे क्रास ऐसे ठीक है ना नेक्स्ट में देखिए ये रेन में जो पेपर बोर्ड्स खेलते हैं अम्ब्रेला यूज करते हैं लेकिन ये नहीं सही है ठीक है ना इसमें देखिए ठंड में देखिए आइस से लोग खेलते हैं ठीक है ना ये देखिए ये भी ठीक है ट्रेंड में लेकिन ये नहीं सही है आपका ठीक है ये आपका थर्ड तो इस तरीके आप वन आउट जो इसमें है उसको आप क्रॉस कर देंगे ओके तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो में हमने ऊपर के जो टॉपिक्स हैं उसे एक्सप्लेन किए हैं ठीक है ना इसको आप अच्छे से सुनिएगा वीडियो को एंड तक और फॉलो करिएगा ओके थैंक यू